हाय फ्रेंड्स, आज मैं देखिए किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई हूँ। बहुत ही अलग रेसिपी है ये है बड़ी की सब्ज़ी आलू बैंगन के साथ। उसके लिए हमने सबसे पहले गैस को ऑन कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, 2 चम्मच के आसपास में डालूँगी मैं ऑयल, क्योंकि इसमें ना चना दाल का बड़ी है ये, मैं बाज़ार से ही लाई थी खरीद के। तो मैं अभी इसके पहले फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से। खाली बड़ी का भी बनता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसमें आलू बैंगन डाल के बनाती हूँ, तो उससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। एक तरफ देखिए मैं रखती हूँ, पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि बाज़ार वाला ना हार्ड बहुत होता है, तो इसको पकाना बहुत टफ काम होता है। तो उसको मैं ना सबसे पहले फ्राई करके और इसे मैं गर्म पानी में डालती हूँ। तो इसलिए देखिए हमारा ये फ्राई हो गया, मैं निकाल ली हूँ बाउल में, और मैं अभी इसमें गर्म पानी भी देखिए मेरा हो गया है। तब तक मैं ऑयल डाल रही हूँ 2 चम्मच के आसपास में, और मैं डाल रही हूँ सरसों। इसमें तड़का में मैं डालूँगी सरसों, मेथी, थोड़ा सा ये सौंफ, अब मैं डाल दी इसमें आलू, थोड़ा सा आलू 2 मिनट चला लूँगी, पानी में बंद कर दी हूँ, आलू भून रहा है। मैं बड़ी में ना पानी को डाल दूंगी, क्योंकि वो डाल के ढक के रख दूंगी थोड़े देर, देखिए तो ये फूल जाएगा, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो ऐसे ना जल्दी पकता नहीं है ये। तो अब मेरा ये आलू फ्राई हो रहा है, अब मैं इसमें बैंगन डाल दी, एक बैंगन था, अब ये फ्राई करूँगी मैं, ढक ढक के पकाऊंगी। फ्रेंड्स, आप लोग इस रेसिपी को बना के देखना एक बार, अच्छा लगता है ये। इसको आप रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, पूड़ी वगैरह, पूड़ी पराठा के साथ अच्छा नहीं लगता है ये सब्जी। और आप इसमें सरसों का मसाला डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का मसाला नहीं डाल रही थी, मैं लहसुन और बाकी गरम मसाला डाल के बनाऊँगी इस सब्जी को। देखिए अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दी, छोटे छोटे थे 2 टमाटर मैं कट करके रखी हुई थी। अब मैं इसमें नमक डाल दी, नमक डाल देने से ना अच्छी तरीके से आलू में चला जाता है, तो मैं भुनने में ही डाल देती हूँ नमक। अब मैं इसे अच्छी तरीके से भूनूंगी। देखिए अब मैं इसे दिखाती हूँ, ये हमारा भून चुका है जितना चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन जो कूट के रखी थी, फिर डालूँगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये हल्दी। अब मैं इसे मसाले को भूनूँगी, इसको भुनने में 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से भुनना पड़ता है मसाले को, जब तक इसे ऑयल ना निकलने लगे सब्जी से। देखिए मसाला हमारा भुन रहा है और ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें जो भून के रखी हूँ ना बड़ी, जो पानी में डाल के रखी हुई थी, अब मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें बड़ी डाल दी। सो आप लोग भी इस रेसिपी को इस तरीके से बना के एक बार देखना, बहुत इजी पड़ेगा बनाने में। और अब जितना आपको ग्रेवी रखना है, इसमें ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ी जो है ना वो पानी को सोखता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे मैं थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी नहीं, थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी, क्योंकि मैं रोटी के साथ ही बना रही थी इस सब्जी को। देखिए अब मैं बड़ी को ना देखती हूँ काट करके कि पक गया है कि नहीं, थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, नहीं हो चुका है ये लगभग, तो और 1-2 मिनट छोड़ के ढक दूँगी, तो ये पूरा हो जाएगा, फिनिश तैयार हो जाएगा सब्जी। मेन है बड़ी को पकना। देखिए ये हमारा सब्जी रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, मैं इसे बाउल में निकाल रही हूँ, ये है लास्ट में ऐसा।